गरीबों के आंदोलन के नेता आसिफ हुदा को झूठा केस में जेल भेजना अन्याय, बोली वंदना कुमारी ताजपुर। समस्तीपुर से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। ताजपुर, समस्तीपुर, 16 सितंबर 2022। गरीबों के आंदोलन के नेता आसिफ हुदा को जेल भेजना गरीबों के साथ अन्याय है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले जेई के खिलाफ होगा आंदोलन। पेंशन मिलने में विलम्ब, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में लूट, भ्रष्टाचार रोकने, जल निकासी के लिए नाला, सड़क निर्माण को लेकर प्रखंड के सरसोना सीमा पर आहूत बैठक में आंदोलन के नेता आसिफ हुदा को झूठा केस में जेल में डालने की निंदा करते हुए झूठे मुकदमे की जांच कर मुकदमा समाप्त करने, आसिफ हुदा, उनके भाई एवं चाचा को रिहा करने, मुकदमा दर्ज कराने वाले जेई को बर्खास्त करने, अन्यथा आंदोलन चलाने के निर्णय की घोषणा एपवा जिला अध्यक्ष वंदना कुमारी द्वारा किया गया। एक है। तमाम भूमिहीनों को बास की भूमि देना होगा, देना होगा। तमाम भूमिहीनों को बास की भूमि देना होगा, देना होगा, देना होगा। आसिफ जी के बारे में क्या जानकारी है? आसिफ हुदा जो गरीबों के लीडर है और जो जमीन पे काम करने वाले नेता है, बिजली विभाग के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। जब रमजान के समय में बिजली खोलने के लिए जेई आए तो उन्होंने कहा कि पैसा रमजान के बाद जमा हो जाएगा, तो अधिकारी के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। और उस झूठे मुकदमे में जब वो बेल लेने गए तो वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि उन पर से झूठा मुकदमा हटाया जाए और उन्हें बेल दिया गया। नाम? वंदना सिंह। जो गरीबों के नेता थे उनके बारे में क्या कहना है आपका नीलम जी? साथे रहते रहथिन, हमरा सबके जमीन के लाठी में लड़ाई लड़ते रहथिन, उनका जेल हो गए। तो अहाँ से एक बारे में की सोच रही है? जेल हो के चलिए। अच्छा, नाम अहाँ के? नीलम।